हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रोशन शर्मा के बारे में कि रोशन शर्मा ने रिसेंटली दुश्मन गैंग को लेकर क्या कहा है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, रोशन शर्मा दुर्लभ कश्यप का जिगरी दोस्त था जो कि अब उज्जैन में ही रहता है। रोशन शर्मा और दुर्लभ कश्यप शुरुआत से ही करीबी दोस्त रहे हैं, लेकिन जब दुर्लभ कश्यप मारा गया था तो उस वक्त रोशन शर्मा दुर्लभ कश्यप के साथ नहीं था, क्योंकि उस वक्त रोशन शर्मा हाफ मर्डर केस के तहत जेल में बंद था, क्योंकि रोशन शर्मा ने एक लड़के पर चाकुओं से हमला कर दिया था जिस कारण उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसे कई सालों के लिए जेल में डाल दिया था, और इसलिए रोशन शर्मा दुर्लभ कश्यप के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाया था। और शायद इसी कारण दुर्लभ कश्यप के पिताजी मनोज कश्यप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो दुर्लभ कश्यप के साथ रहने वाले थे वो दुर्लभ कश्यप की अंतिम यात्रा में भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन जब रोशन शर्मा जेल से लौटा तो उसने पहले तो अपने दोस्त दुर्लभ कश्यप के बदले का ऐलान किया और बाद में एक सच्चा दोस्त होने के नाते रोशन शर्मा ने दुर्लभ कश्यप की आत्मा को शांति के लिए कार्यक्रम करवाया, और साथ ही साथ दुर्लभ के जन्मदिन पर भी रोशन शर्मा ने पूरी गैंग को इकट्ठा कर और दुर्लभ का जन्मदिन मनाया। वैसे रोशन शर्मा ने दुर्लभ के मरने के बाद सारे नेक ही काम किए हैं, और साथ ही साथ दुर्लभ कश्यप की बरसी पर भी रोशन शर्मा ने गरीब लोगों की हेल्प की थी और उनको खाना बांटा। इस प्रकार रोशन शर्मा ने एक सच्चे दोस्त होने के नाते इतना सब कुछ किया। और अब रोशन शर्मा ने दुश्मन गैंग को लेकर कुछ बातें कही हैं। दरअसल रोशन शर्मा ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है और लिखा है कि समस्या का अंतिम हल माफी है, कर दो या फिर मांग लो। इस प्रकार रोशन शर्मा ने दुश्मन गैंग को लेकर रिएक्ट किया है। दोस्तों, रोशन शर्मा अपने दोस्त दुर्लभ कश्यप के बदले को लेकर पहले भी कई बार ऐलान कर चुका है, और रोशन शर्मा के अलावा दुर्लभ गैंग के अन्य कई मेंबर भी दुश्मन गैंग को लेकर कुछ ना कुछ रिएक्ट करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो रोशन शर्मा की इस पोस्ट को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।